अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम जो नमूना आपके सामने बैठा है, ये हमारे बट भाई है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये नमूना नहीं है, ये हमारे बट भाई है, क्योंकि ये हमारी ज़ेबिस की शान है। बड़े भाई है हमारे, नमूना नहीं आप कह सकते इनको, क्योंकि ये हम गजब बेइज्जती है। हमारे अराई भाई है, अराई ये भी माशाल्लाह से अराई है। इनका तारुफ मैं आपको कराता चलूँ। ये हैं हमारे बट साहब, प्यार से हम लोग इसको बट साहब क्यों बुलाते हैं, इसकी ये वजह वैसे ये अराई है, लेकिन ज़ेबिस में आने के बाद ये बट बन चुके हैं। उसकी वजह ये है कि इनको यहाँ पर अराई पसंद नहीं थे। तो भाई देखे शर्मा रहे हैं वैसे बताने में ना, तो बताओ अपने बारे में, इसलिए बताओ अपना नाम, बताओ पूरा नाम क्या है आपका। ये आप नहीं ये खच नहीं हमारी, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको अरे भाई है। बट साहब कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो? बोलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बोल दें, कुछ नहीं, कोई नहीं, हमारे व्यूवर्स हैं। तो जैसे कि आप बट साहब ने बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बट साहब को लाने का मकसद ये है कि इनके साथ हमारी दिल लगी है, और जब हम इनको देखते तो हमारा दिल लगी है मामा, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। कोई मसला नहीं, कोई खास कुछ नहीं का, सुखी सुखी दिल लगी है, सुखी दिल लगी है भाई। रोजे निकल लें तो फिर मैं पूछना कितनी दिल लगी है मेरे। क्यों भाई, बट साहब मैंने आपसे कोई ऐसा कुछ काम किया हो जो आपको दिल लग, मतलब कि दिल को हर्ट किया हो, कोई ऐसा कोई सीन मैंने आपकी तरफ किया हो? भाजी चंगा कड़ा काम किया है। तो बट साहब का कहने का मकसद, मैंने बट साहब का दिल दुखाया, दिल को दुखाया यार, दिल दुखने वाली चीज है। दिल नहीं दुखाया मैंने, नहीं। यूनुस भाई इधर, यूनुस भाई ये भी हमारे भाई हैं। यूनुस भाई हमारे बे, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल सिक्योरिटी गार्ड के। यूनुस भाई ये देखो, ये सर में खुरक रहा है, ये जा रहे पाशा के पास। तो आज है मेरे इन्विजिलेटर का दूसरा दिन, और इंशाल्लाह इसमें मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं वो विज़िट करूँ और आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ। खुश रहा करो, बट साहब का कहना है हंसा रहा करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग करें ताकि मेरी वॉचिंग टाइमिंग पूरी हो जाए। अगर ज़्यादा टेंशन लोगे तो। और इस टाइम हम लोग क्लास रूम में आ गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। सो अभी हो गया है हमारा पहला स्लॉट ख़त्म एग्जामिनेशन। इनका बहुत मज़ा आया इसमें, और मैं तो अभी मेरा 12 बजे सेकंड स्लॉट है, तो अभी सेकंड स्लॉट लेने के लिए जाऊंगा मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ड्यूटी करने के लिए चले, देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है मुझे, लाजमी आप लोगों ने, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और घंटी वाले बाबे को लाजमी दबाना है आपने, शुक्रिया। ये हमारा 99 कैंपस और सेकंड स्लॉट। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे। सो सेकंड स्लॉट स्टार्ट होने वाला है, और पेपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। पहले मैंने स्टूडेंट्स आने से पहले जो है पेपर्स वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी स्टूडेंट को आने का टाइम है, 5 मिनट रहते हैं, तो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सेकंड स्लॉट, और इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताता रहूँगा। A few moments later, 2000 years later, one. So, अभी हुआ मेरा स्लॉट ख़त्म, और घर जाने का टाइम आ गया है, और वाट लग गई है पूरे जिस्म की। रोजे में था, और लगातार मैंने 3 स्लॉट मारे, तो बस हो गई है, और
एंड करते हैं ब्लॉग का यहीं पर। और जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बाबे को लाजमी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।